हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना 10th और 12th का री एग्जाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं या उसके लिए आप लोग का क्या रहेगा स्ट्रैटेजी। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा जिसके जरिए आप लोग ये जो एग्जाम है वो इजिली क्लियर कर सकते हो और अपना जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है अपना स्ट्रेटजी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि यस ऑब्वियसली आप सबको पास होने का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग पासिंग के लिए। तो देखिए आप लोग के लिए एक सिंपल सी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके सब्जेक्ट बैलेंस है मतलब जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो उसमें आप लोग क्यों फेल हुए ये पहले एनालिसिस कर दीजिए। मतलब आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हम लोग फेल क्यों हो गए हैं, तो इसके बाद आपको क्या करने का है, उस सब जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको आपको ओवरटेक करने का। अभी ये कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर सपोज एक मैं सब्जेक्ट का बात करता हूं, अगर सपोज आप लोग मैथ्स में फेल हो, ओके, तो कोई भी एक सब्जेक्ट वैसे मैथ्स में फेल हो तो आप लोग को क्या करने का, अभी मैथ्स कितने मार्क्स का पेपर है, चलो आपका 40 मार्क्स का या 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करने का, उसमें कौन से चैप्टर से जो हमें अच्छी तरह से आते थे और अभी भी आते हैं या अभी भी हम लोग उसका इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको पहले साइड में रखिए, उनका वेटेज देखिए कितना है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम लोग कितने मार्क्स तक जा सकते हैं। मतलब अगर सपोज अगर 10 का बात किया जाए तो 40 मार्क्स का अगर अलजेब्रा है तो सपोज उसमें से मुझे 2 चैप्टर आ रहे हैं, उसका वेटेज अगर ओवरऑल निकाला जाए तो 12 मार्क्स का है, तो मुझे 40 में से 12 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए कैसे भी करके। ये आपका पहली बात तो क्या रहना चाहिए, स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो ऐसे वो जो 2 चैप्टर आपको अच्छी तरह से आते उसको इस तरह से प्रिपरेशन कर दीजिए क्योंकि उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो उसका आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा और आप लोग उसके जो 12 मार्क्स 10 मार्क्स जो भी है वो पहले आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब आपको मिल सकते हैं और आप लोग वो आपके पहले पॉकेट में आ जाएंगे। अभी रहा सवाल फिर बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस किस तरह से अटेंड करने के, तो आप लोग ने पहले भी प्रिपरेशन किया है उसमें अभी आपको क्या करने का है, ऐसे कोई चैप्टर उठाने के है जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ऑब्वियसली हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा, तो वैसे वाले चैप्टर्स बाद में आपको लेने के है, तो उसमें से आप लोग को जो जो चीजें आ रही है मतलब एका सम वगैरह वो सब आप लोग पहले उठा के साइड में लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, उस पैटर्न के जितने भी सम से वो सॉल्व कर दीजिए ताकि आप लोग को और 2-4 मार्क्स इधर उधर से मिल सकते हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंटली बात यहाँ पे ये रहती है कि कोई भी आप लोग पेपर लिख रहे हो, लैंग्वेजेस रहे या मैथ्स रहे या फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, ओसी रहे, अकाउंट रहे, कोई भी स्ट्रीम रहे और कोई भी स्टैंडर्ड रहे, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि अपना पेपर पूरा लिखने का, आपको पेपर पूरा लिखने का मतलब जो कुछ चीजें आप लोग को उससे रिलेटेड याद आ रही है या उससे रिलेटेड पता है वो आप लोग लिख दीजिए जिससे आपको क्या हो जाएगा, पास होने के लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि पेपर ब्लैंक रखना ये कोई सोल्यूशन नहीं है और पेपर ब्लैंक रखने से आप लोग पास कोई भी आपको कर नहीं सकता। तो ये बात तो क्लियर है, अगर टीचर को मार्क्स देने के रहेगी तो आप लोग वहां पे कुछ तो लिख के आओगे तो ही टीचर्स आपको मार्क्स देगी, ब्लैंक पेपर पे मार्क्स नहीं मिलते बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि आप लोग कुछ तो लिख के आओ। तो ये रहा आपका फर्स्ट पैटर्न मतलब जिससे आपको क्या करने का, स्टडी करने का है और जो अपने इजी चैप्टर से या जिसमें आपका कंट्रोल है उसको साइड में रख दीजिए और उसके ऊपर फोकस करके आप लोग इजिली पासिंग तक तो चले जा सकते हो, मुझे इतना तो पता है, और वेटेज वाइज आप लोग थोड़ा बहुत चेक कर दीजिए, क्लियर। अभी सेकेंड रहा सवाल कि आप लोग का प्रैक्टिकल ओरल रहेगा उसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए, क्योंकि पहले तो आएगा आपका प्रैक्टिकल ओरल एंड देन रहेगा शायद रिटर्न। तो अगर प्रैक्टिकल ओरल का बात चालू है तो अभी इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए आप लोग जैसे मैंने कहा कि कुछ टॉपिक आपके इजीली पता है उसके ऊपर फिर से फोकस कर दिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो भी अच्छी तरह से रट लीजिए, अच्छी तरह से मेमोराइज कर दीजिए, आपको जो ठीक लगे क्योंकि फाइनली वो आपके ऊपर है, आप लोग को याद करके करने का या कंसेप्चुअली याद रखने का वो आप लोग देख सकते हो, तो वो पहले याद रखिए और फिर ओरल वगैरह इसका प्रिपरेशन आपका वहां पे ही थोड़ा बहुत हो जाएगा। क्योंकि कैसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल के लिए हम लोग जब भी जाते हैं तो टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोलते हैं कि आप लोग ने कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया है, तो आप लोग कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये सेकंड चैप्टर या और फोर्थ चैप्टर प्रिपेयर किया है, ये चैप्टर का नाम लिख सकते हो, ये चैप्टर मैंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दिया है, तो आप लोग को उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो आप लोग ओरल या प्रैक्टिकल है वो भी इजिली कवर कर सकते हो या उसमें भी अच्छी तरह से मार्क्स लेके पास हो सकते हो, तो ये भी आपको एडेड एडवांटेज है कि आप लोग का जो रिटर्न है उसके साथ ये अगर ओरल या प्रैक्टिकल के मार्क जो है वो मर्ज किए जाएंगे तो आप लोग इजिली पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि
आप लोग का जो ओरल और प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आप लोग कुछ सिलेक्टिव टॉपिक का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दीजिए, ताकि ओरल में अगर कुछ भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आया तो आप लोग इजीली दे सकते हो उसका आंसर। क्योंकि फाइनली जैसे मैंने कहा कि आपको इतना ही पूछा जाता है कि आप लोग ने कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिपीट वालों का एग्जाम रहता है या इंप्रूवमेंट का एग्जाम रहता है, वहां पे इतना ही पूछा जाता है कि आप लोग ने कौन सा चैप्टर कवर किया है या आप लोग ने कौन से चैप्टर का प्रिपरेशन किया। तो आप लोग को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हम लोग ने एक दो जो चैप्टर से उसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और फिर आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे एक मैटर करता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है, हम लोग प्रिपेयर भी शायद कर लेते हैं लेकिन वहां पे जाके ओरल बोलने के टाइम पे हम लोग को पता नहीं क्या हो जाता है और हम लोग जो बायट किया है या जो याद रखा है वो सब भूल जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कूल आप लोग आराम से दे सकते हो उसके आंसर। अगर वो कर दोगे तो आपको आराम से इंटरनल मार्क्स मिल जाएगा और आप लोग पासिंग की तरफ जा सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका प्रिपरेशन तो हम लोग कर लेंगे, चलो अभी मैंने बता दिया छोटे मोटे जो चैप्टर है उसका कर दो, उसके जरिए आप लोग हो सकते हो अच्छी तरह से पास। देन ओरल के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताया, लेकिन बाकी और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स। आप लोग को पिछले 4-5 साल से सेम पोर्शन है, तो 4-5 साल अगर हर साल दो पेपर अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास 5 से 10 पेपर रह सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें आप लोग फेल हो या जिसका आप लोग रिपीट एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके आपके पास इतने सारे पेपर से, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही रिपीट हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंटली पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करके रखिए, आपका जो मार्च का जो पेपर रहता है उसमें से 5 to 10% पोर्शन, मतलब क्वेश्चन एज इट इज आपको जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, समझ में आया? आप लोग का जो मार्च का पेपर है, बराबर किसी भी सब्जेक्ट का आपका मार्च का पेपर है, उसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवंबर दिसंबर में 5 to 10%। मतलब अगर ये भी अगर आप लोग कैलकुलेशन कर दोगे, अगर सपोज मैंने 40 मार्क्स का पेपर पकड़ा और उसका अगर मैं 10% निकाल रहा हूं, बराबर, तो आप लोग सोच सकते हो कि उतने 4-5 मार्क्स आपके पॉकेट में वैसे भी जमा हो सकते हैं अगर आप लोग इतना भी थोड़ा कैलकुलेशन करोगे। तो मतलब वो पेपर अगर सॉल्व कर दोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि यही नहीं, दैट इज मार्च का ही पेपर सॉल्व करने का ऐसा नहीं है, पिछले भी पेपर सॉल्व कर दीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पता चल जाएंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी रहा सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या या कुछ क्वेश्चन बैंक सर मिल सकता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको वादा किया है कि मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर से रिलेटेड या हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस आपको या क्वेश्चन बैंक आपको जरूर दूंगा, जिससे हो सके उतना आपको हेल्प हो जाएगा। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स जो 12th साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनका कुछ इंपॉर्टेंस दे दूंगा, उसका कुछ क्वेश्चन बैंक आपको दे दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब जिस सब्जेक्ट का थोड़े दिन में वो वीडियोस आ जाएगा, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ टिप्स और कुछ क्वेश्चन बैंक में दे दूंगा, जिसके जरिए आप लोग का ये जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से जाए और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे पास आउट होके नेक्स्ट ईयर जाए। तो बस आज आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, थैंक यू।